जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। बहुजन उत्पीड़न यानी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को मिलाकर बनता है बहुजन समाज, बहुल्य आबादी। और वहीं हम आपको बता दें कि बहुजन समाज के ऊपर उत्पीड़न का मामला बार बार सामने आता है और बहुजन समाज के अंदर अनुसूचित जाति एससी एसटी के ऊपर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होता है। ऐसे समाज में हम आपको बता दें कि बहुत सारी उपजातियाँ जाति आती है, जैसे कि जाटव, चमार, वाल्मीकि और कोरी, धोबी, पासी वगैरह वगैरह बहुत सारी जातियां अनुसूचित जाति में आती है। और वहीं ओबीसी वर्ग की यदि हम बात करें, ओबीसी वर्ग पिछड़ा वर्ग, उसके अंदर भी बहुत सारी जातियां आती है। और ऐसा मामला सामने ज़्यादातर आता है कि ओबीसी वर्ग के लोग ही अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों पर उत्पीड़न करते हैं और ऐसे समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग भी आपस में घृणा की नज़र से देखते हैं एक दूसरे को, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये चीज़ें सामने आती है। जैसा कि वाल्मीकि समाज के लोग जाटव समाज से घृणा करते हैं, कभी कभी ऐसा मामला भी सामने आता है। और कहीं कहीं चमार व धोबी, पासी, कोरी आपस में घृणा करते हैं। रोटी बेटे की, रिश्ते की तो बात दूर की है, लेकिन एक दूसरे को छोटे व बड़े की नज़र से देखते हैं। खान पान में अंतर हो जाता है, कहीं कहीं कोई सुअर खाता है तो कोई भैंस खाता है, इस बात को भी घृणा की नज़र से देखा जाता है। तो वहीं हम आपको बता देते हैं कि ताज़ा मामला एक आया है सामने, जिसमें एक ओबीसी वर्ग के लोग ने, ओबीसी वर्ग ने एक अनुसूचित जाति के प्रिंसिपल को घेर घेर कर पीटा, घसीटा और मारने तक की धमकी दी गई, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। और मामला कहाँ का है वह हम आपको पूरी बात बताते हैं, और हमने पिछली एक वीडियो में भी जांच पड़ताल की थी, कवरेज की थी। मामला है मेरठ के दोराला राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज का, जहाँ पर एक प्रधानाचार्य है जिनका नाम महेंद्र सिंह, और जिनके ऊपर एक सहायक अध्यापक ने हमला किया। सहायक अध्यापक का नाम अमित कुमार है, जो एक जाट समुदाय से है, ओबीसी वर्ग से है, पिछड़े वर्ग से है। हमला बेरहमी से किया कि आंखें तक फोड़ने को तैयार की, आंख फोड़ने को तैयार थी, और घसीट घसीट कर पीटा गया। वह बुजुर्ग है महेंद्र सिंह, शायद कुछ साल बाद वह रिटायर्ड होने वाले हैं। हमने वह मामला देखा, रूबरू हुए उनसे, महेंद्र सिंह प्रिंसिपल जी से, तो हमें भी काफ़ी लज्जा आई, काफ़ी दुख हुआ कि आज भी समाज के अंदर, जहां एक तरफ बहुजन समाज को एकजुट करने की बात कही जाती है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एक हो जाए, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज के ही ओबीसी वर्ग के लोग अनुसूचित जाति के साथ ऐसे भेदभाव की नज़र से उत्पीड़न करते हैं, तो यह बहुत ही शर्म की बात है। तो फिर किस प्रकार से यह मामला हो जाता है, हम आपको अपना विश्लेषण बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ होगा, और अक्सर ऐसा पहले भी होता रहा है, ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले एसडी सदर मेरठ के अंदर कॉलेज है, वहाँ पर भी एक ऐसा मामला सामने आया था कि जिसके अंदर एक अनुसूचित जाति के अध्यापक को एक ओबीसी वर्ग के अध्यापक द्वारा प्रताड़ित होने का मामला सामने आया था, नौकरी जाने तक की बात सामने आई थी। हम आपको बताते हैं विश्लेषण क्या हमने पाया। बहुजन समाज के जो लोग हैं एससी एसटी ओबीसी के, उन्हों को आपस में भिड़ाया जाता है, लड़ाया जाता है, मास्टरमाइंड तो कोई और ही होते हैं। यदि हम आपको बता दें कि राजनीति होती है कॉलेजों में भी, हर डिपार्टमेंट में राजनीति होती है, और राजनीति में जो कमांड होती है वह एक मनुवादी व्यवस्था के लोग होते हैं, जो आपस में भिड़ाना चाहते हैं, फूट डालो राज करो वाली नीति। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा, यदि इस मामले की जाँच पड़ताल की जाए तो कोई मनुवादी, कोई ब्राह्मणवादी व्यक्ति ही साजिश रच रहा होगा। वही इस अमित कुमार पिछड़े वर्ग के एक जाट को, इस सहायक अध्यापक को बिठाने के लिए फुसला रहा होगा। और जो प्रिंसिपल है महेंद्र सिंह, जाटव समाज से, अनुसूचित जाति से, उनको भी नीचा दिखाने के लिए ऐसी साजिश रची गई होगी कि एक प्रिंसिपल को एक सहायक अध्यापक घसीट घसीट कर पीटे और उसकी वीडियो भी वायरल कर दे। ये प्री प्लानिंग के तहत काम किया गया होगा, पहले पता होगा कि ये हमें वारदात करनी है, इसीलिए वहाँ पर सहायक अध्यापक ने एक मोबाइल देकर किसी के हाथ में कैमरा यूज किया, कैमरे के अंदर कैप्चर कराया सारा दृश्य, सारी घटना। और यह नहीं पता था उसको कि तुम कठपुतली बनते हो, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, मनुवादी व्यवस्था का आप षड्यंत्र को नहीं समझते, नौकरी चली जाएगी, टारगेट होगा समाज के निशाने, समाज की नज़रों के सामने तू नीचे गिर जाएगा, यह नहीं सोचा होगा। अरे जो वारदात थी, जो बातचीत हुई आप में, वह हमने देखी पूरी वीडियो, बैठे हुए दोनों कुर्सी पर,
बातचीत हो रही है। अमित कुमार सहायक अध्यापक फाइल पकड़कर उठाकर चल देता है। फाइल पर सिग्नेचर की बात हो रही है, सीनियरिटी की मामला सामने आया, सीनियरी मान लो कि प्रमोशन का, और उस बात पर कुछ विवाद होता है। और वहीं नहीं, प्रिंसिपल मोबाइल कान से लगाकर बाहर निकल जाते हैं तो सहायक अध्यापक अमित कुमार भी पीछे पीछे जाता है और मारपीट करनी शुरू कर देता है। ये कैसे संस्कार है, कैसा भ्रष्टाचार है, इस बात से आपको साफ साफ नजर आएगा कि कुछ षड्यंत्र है। मास्टरमाइंड तो कोई और ही होते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। औकात की बात करें, यदि औकात दिखाना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति की औकात आज भी वही है। प्रिंसिपल बनो चाहे आप बैरिस्टर बनो, चाहे आप IAS PCS बनो, मजिस्ट्रेट बनो, कुछ भी बनो, औकात आपकी यही है। लात घूसों से पीटा जाएगा, गिरा गिरा कर जानलेवा हमला किया जाएगा, ऐसी औकात है। तो यहाँ पर षड्यंत्र समझने वाली बात है। आपने इस वीडियो में देखा और प्रिंसिपल का हाल देखा, किस प्रकार से उनको पीटा गया, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज भी जातिवाद है। जहाँ एक तरफ बराबरी की बात करते हैं, वहीं SC ST OBC के लोगों को षड्यंत्र के तहत आपस में भिड़ाने की बात की जाती है। और जाट गुर्जर चमार जाटव वाल्मीकि सभी वर्ग इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाते और आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन षड्यंत्रकारी को नहीं पहचान पाते। जो षड्यंत्रकारी होता है वह देखकर मजा लेता है बैठकर, वह उंगली लगा देता है, फुसला देता है, लेकिन साफ बैठा रहता है। और वहाँ पर जब वारदात होती है तो बीच में आकर छूट छुटाव भी कर देते हैं, मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि किसी की नज़रों में ना आने पाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं उमेश करुणा, आप देख रहे थे बहुजन हलचल। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।